हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो भाई साहब, ये रे भैया मोबाइल की बैटरी। आई थिंक ज्यादातर भाई चाइना की बैटरी है, या मुझे लगता है सारी ही चाइना की बैटरी। हाँ भाई, ये भी चाइना ही है, तो मैं क्या लग रहा है गाइस, इंडियन ब्रांड है, मेड इन चाइना। ओ मेड फॉर कार्बन, मतलब कार्बन के अलावा। और भाई इस पे लिखा है मेड इन चाइना, लिखा नहीं लिखा वैसे गाइस, लिखा तो है नहीं, लेकिन भाई इस पे ये भी लिखा कि मेड इन इंडिया, मतलब भाई इस पे कुछ लिखा ही नहीं है। ये गाइस सोनी एरिक्सन की, हाँ ये बैटरी गाइस लग रही है, लेकिन भाई ये भी लोकल है, नोकिया 3310 की भाई बैटरी। तो कितनी पुरानी पुरानी बैटरी यार। ये है भैया सिग्मा टेल की, और भाई ये है लोकल रेस कम्पेटेबल 4N96 नोकिया की आई थिंक, ये BCM। तो भैया ये सारी गाइस लोकल बैटरी, भाई इसमें क्या क्या चिपका रखा है, रबड़, 3000 mAh की बैटरी है। ओहो सिग्मा टेल, तो भैया ये पुरानी बैटरी है। और गाइस ये भाई मेरे को इतनी सारी बैटरी कहाँ से मिली है? गाइस ये मिली है मुझे अमन भाई के थ्रू। तो गाइस अमन भाई ने मेरे को इतनी सारी बैटरी दी है। अब आप सोचो कि अमन भाई तुझसे क्या करेगा, इतनी सारी बैटरी का क्या करेगा। हाँ तो भाई टॉय पे चलते हैं। तो देखो भाई, अभी आप क्या दो गाइस, अभी हमारे कबाड़ वाले भैया ने, सादा भाई ने, ये गाइस मेरे को दिया था ब्लूटूथ स्पीकर, जो गाइस काफी मस्त चला। लेकिन भाई अब मैंने उन्हें दिया तो कह रहे यार एक काम करो भाई, तुम्हें रख ले तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं कहा चलो थैंक यू सो मच बॉस, क्योंकि गाइस उनको मैंने FM करके दी थी, तो उनको वो चल रहा है। ये मैंने खुद नहीं रखा गाइस, ये मैंने दी अमन भाई को। ठीक है भाई, अमन भाई को जब मैंने दिया तो गाइस उन्होंने कुछ दिन यूज किया, फिर वो कह रहे कि सर भाई इसकी बैटरी नहीं चल रही, इसकी बैटरी बिल्कुल बेकार है। मैंने कहा कि भाई चलो मैं दूसरी बैटरी डाल दूंगा, तो कहने लगे नहीं भाई मेरे पास बहुत सारी बैटरी है, उनमें चेक कर लेना। तो भाई इतनी सारी यहाँ पर मोबाइल की बैटरी है। अब गाइस मेरे को नहीं पता इनमें से कोई सी बैटरी ठीक है नहीं है, तो गाइस मैं फटाफट पहले मल्टीमीटर लाता हूँ और भाई चेक करता हूँ। और गाइस एक बात और, अगर भाई दो बैटरी ठीक है तो गाइस दो बैटरी को मैं यहाँ पर पैनल में गाइस कनेक्ट करके इसमें लगा दूंगा, बाई चांस कैसे हो भाई सारी बैटरी पुरानी है। अब भाई चले ना चले, बैकअप देना चाहिए, वही वाली बात आ जाएगी ना। ठीक है भाई, यकीन मानिए भाई मैंने भाई से काफी मजबूती से भाई जोड़ रखा, भाई बहुत दिक्कत होगी इसे खोलने में। चलो भाई कोई बात नहीं। तो भाई सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले गाइस हम यहाँ पर ये वाली बैटरी यहाँ टेस्ट करते हैं कि भाई कौन सी बैटरी ठीक है या नहीं है, या ऐसी बस दी थी सारी। और भी अगर ठीक नहीं हुई तो गाइस आपके भाई के पास बहुत सारे ऑप्शन है, जब गाइस जिम्मेदारी मिली है तो गाइस उसे निभाएंगे। ये मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा था गाइस, तो भाई इस पे लगा रह गया। ठीक है टुनटुना, अरे बाप रे, अरे बाप रे। देखो भाई इसके पिन आउट किधर है भाई, देखो ना इधर है ना इधर है। देखो भाई मतलब भाई हर मोटर का अलग हिसाब है। देखो भाई मोटर लगा है, ठीक है भाई मोटर लगे था, वैसे हम बहुत कम यूज करते हैं फोन। देखो भाई बैटरी ठीक लग रही है, 3.44 वोल्टेज का ये दे रही है, तो मैं इसकी थोड़ी सी लाइट जलाता हूँ। कहाँगे हेरा, 3.44 का इस वोल्टेज ये दे रही है। ठीक है ये बैटरी ठीक है, देखते गाइस कौन कौन सी बैटरी ठीक निकलती है भैया इसमें से। तो मैं गाइस थोड़ी वीडियो फास्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो लीजिए गाइस इतनी सारी भैया बैटरी ये ठीक है, मतलब गाइस ये डिस्चार्ज है काफी, और इनमें 2.5 वोल्टेज भाई आ रहे हैं, लेकिन भाई इनमें आई थिंक 3 वोल्ट से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है इसी वाली बैटरी बिल्कुल खराब है। देखो भाई ये रहा भैया मल्टीमीटर, ओ पुरानी पुरानी बैटरी ले लो। देखो गाइस मैंने कैसे लहर से लहर मिलाई। चलो भाई मैंने फिलहाल डालते हैं साइड में। ठीक है गाइस हमें इतनी बैटरी जरूरत है नहीं, जो बैटरी बिल्कुल खराब है गाइस उसे खोल के देखेंगे, ठीक है मजा आएगा। तो भाई पहले देख लें, हाँ यही बैटरी खराब। और भाई इसमें कितने वोल्टेज है गाइस, मैं अपने लिए चेक कर लूँ ना। देखो भाई 3.78 वोल्टेज है इसमें, इसके बाद इतनी बीच की लाइट बच जाती है ऑटोमेटिक। देखो 3.79, ठीक है एक बैटरी ले लेंगे, ठीक है एक बैटरी ले लेंगे। चलो भाई वो भाई 3.44 एक बैटरी का इसी ले लेंगे, पाया पूरा इन्वर्टर लगा दूँ मैं इसमें। देखो 3.04, ठीक है इसमें ठीक है वोल्टेज, लेकिन इतने नहीं है। और भाई ये पुरानी बैटरी 3.83, ठीक है ये भी ठीक है। ये बैटरी का इस तीनों बैटरी, तो भाई इन तीनों बैटरी में 3 वोल्ट का इस ऊपर है, तो भाई हम इन्हीं बैटरी का यूज करेंगे। तो भाई इन तीनों बैटरी को पैनल के अंदर लगाते हैं, फिर गाइस इन बैटरी पर आएंगे। भाई इन बैटरी का करना क्या है उस पर भी आएंगे यार, टेंशन नोट है, मतलब इनका होगा क्या। तो गाइस पहले फटाफट भाई मैं इसे खोलता हूँ। खुल तो गया यार ये, मतलब भाई खुल गया बस, कैसी बिना तोड़े मोड़े, ठीक है वरना का ये सीधे स्पीकर है, मोए मोए कर रहा हूँ इसके अंदर, जब इसकी बैटरी डाउन हो जाएगी, जब की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ तो भाई ये इस बैटरी बात गाइस, ये है लिथियम पॉलीमर बैटरी। वैसे गाइस इसमें स्पेस तो बहुत है यार, है ना, आराम से गाइस ये बैटरी यहाँ पर आ जानी चाहिए। आई थिंक ये 500-600 मिली एम्पीयर की बैटरी तो भाई होगी डेफिनेटली, मतलब भाई चलती है ऐसी बात नहीं है, पर गाइस ये बैकअप बहुत कम देती है, मतलब भाई इसकी लाइफ कम होगी पहले से, तो इसे उम्र बढ़ाने की दवाई खानी चाहिए। चलो इसे रखते हैं थोड़ा साइड में,
इसे साफ करना का काफी इजी था जो बात है मेरे लिए। हाँ तो भाई यहाँ पर हम तीन बैटरी का लगाने वाले हैं भैया, वो लगेंगे कैसे कैसे? जैसे कैसे एक बैटरी यहाँ लग गई, आत हो सकती है वो, लेकिन बहुत दिक्कत होगी, ये तीनों बैटरी यहीं नहीं आ सकती। तीनों बैटरी का इससे अगर ऐसे आ जाए तो ऐसे आ सकते हैं तीनों बैटरी, क्योंकि भाई यहाँ पर ये लग रहा है दो ऐसे पॉइंट। ठीक है फटाफट इस तीनों बैटरी को मैं पैरेलल में कनेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है हाँ तो भाई साहब देखिए पॉजिटिव पॉजिटिव और भाई साहब पॉजिटिव। ठीक है और भाई ये दोनों उसके नेगेटिव है, किसी पर लगा दो नेगेटिव और भाई नेगेटिव, सबके नेगेटिव एक साथ जोड़ दिए हैं, सबके पॉजिटिव एक साथ जोड़ दिए हैं। अब भाई इस यहाँ से बैटरी में से वायर निकालूंगा, ठीक है, जिससे भाई साहब मैं इसमें कनेक्ट कर सकूँ। ठीक रहेगा ना, मतलब मजा नहीं आएगा ना भाई सीधा डायरेक्ट सोल्डिंग करने में। तो भाई इस बैटरी का तो काम भैया हो गया खत्म, देखते भाई कैसा मतलब बैकअप देगी सब कुछ का, इस पता लग जाएगी, नो टेंशन। यहाँ पे थोड़े देर लगाते हैं, थोड़ा बड़े मोटे मोटे वायर लगते हैं गाइस, ले जाए भाई साहब। और इसे थोड़ा सा मजबूती के लिए, थोड़ी सी मजबूती प्रदान चारे करने के लिए, प्रदान करने के लिए यहाँ पे टेप लगा देंगे। वाह वाह भाई साहब, जी फट जाए पर टेप ऐसे ना फटे, समझ रहे हो क्या बात है। एक बार गाइस पहले चला के देख ले क्या होता है, वल्ला हबीबी चेक करती कि क्या होती भाई, कुछ भी हो सके, वोल्टेज आ देखो ना, चल तो गया भाई। क्या जो बात है, खैर अभी गाइस मजा नहीं आया, अभी तक इसकी टेस्टिंग नहीं होगी, पता नहीं लग पाएगी। एक बार एक चीज और करते हैं, चार्जिंग टेस्ट और देखते हैं ना, वैसे गाइस हो जाएगा चार्ज। मैंने अभी इसके आपको वोल्टेज नहीं दिखाई, तो गाइस तीन बैटरी के अलग अलग वोल्टेज थे, लेकिन जब हम इन्हें कनेक्ट कर देते हैं आपस में पैरेलल में, तो गाइस उसके बाद क्या वोल्टेज निकलेंगे वो गाइस चेक करेंगे। पहले आ जा फौजी भाई जरा, हाँ हो रहा है चार्ज दे। ठीक है तो भाई चार्ज हो रहा है, तो भाई फटाफट भाई पहले मैं इसके जो है ना वोल्टेज चेक करके गाइस आपको दिखाता हूँ। गाइस एक काम की बात आपको और बताऊंगा, रुक जाइए पहले मैं इसके वोल्टेज आपको चेक कराती वल्ला भी। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो 0-0, मैंने उस पर गाइस टेप लगा दी, मैंने आपको वहीं से टेस्ट करा था। ये भाई 3.72 गाइस वोल्टेज में आ रहे हैं। देखो भाई ये बैटरी आई थिंक खराब नहीं हुई है, ये बैटरी भाई साहब ठीक है, ये कहीं से फूली भी नहीं है। देखो भाई भाई मेन चीज है कि भाई ये बैकअप कम ही देगी भाई साहब, भाई 10 वाट का स्पीकर है, मतलब भाई 5-5 वाट, और भाई इसकी फुल आवाज से बजाते हैं तो भाई ये कितना बैकअप देगी, मतलब 500-600 मिली एमपी की बैटरी भाई कितना बैकअप दे पाएगी, मुश्किल से मुश्किल आधे घंटे भी पौन घंटे बस चलाते हैं, वो बहुत बड़ी बात है। ठीक है वैसे इसमें तो मैंने यूज नहीं किया, अब भाई देखो तीन बैटरी लगाई है इस तरीके से, भाई ये बैटरी भाई बिल्कुल मतलब मजा ही आ जाएगा भाई साहब, मजा आ जाएगा। ठीक है अमन भाई बताएंगे और इसमें आपको आगे बता दूंगा, ठीक है अभी तो फिलहाल मैं चेक नहीं कर पाऊंगा, वरना गाइस हमारा ब्लॉग जो है ना राजस्थान तक जाएगा, कन्याकुमारी तक जाएगा। चलो भाई फटाफट भैया ये लगा दी मैंने ग्लूगन, ठीक है भैया फटाफट से यहाँ चिपकाते हैं और गाइस फटाफट भैया बिल्कुल पैक करते हैं, फिर आते हैं भाई साहब इन बैटरी पर। ठीक है इनका करना क्या है, पहले फटाफट इसे पैक करते हैं। To be a better me, I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change. हाँ तो गाइस लीजिए भाई साहब, ये बिल्कुल मस्त हो चुका है भाई, मैंने इसे ऑन भी कर दिया है और गाइस मोबाइल से कनेक्ट भी कर दिया है। ठीक है अब गाइस थोड़ी सी इसके साउंड सुन के देख लेते हैं, मतलब साउंड देख के लेते हैं, साउंड सुन लेते हैं। ठीक है तो गाइस देखो यार गाने मजा नहीं आ रहा भाई, दिल दे दिया है। ठीक है चलो देखते, अरे भाई सारे बेच ना यार भाई, बोलो भाई साहब सही बेहतरीन काम कर रहा गाइस। चलो भाई साहब ये तो हो गया भाई ठीक, और
अमन भाई गाइस खुश हो जाएंगे, ठीक है। और गाइस इसके अंदर तीन तीन बैटरी लगी है, तो भाई ठीक काम कर रहा है। और भाई फटाफट लगाते भी इसे, देखो भाई जब ये बंद होता है ऐसा लगता है कहीं से गिर गया हो कोई। फटाफट गाइस लगाते भी चार्जिंग पर, ठीक है, जिससे भाई ये चार्ज होता रहे और मैं इसे फुल रिचार्ज करके ही भाई को दूंगा। भाई ये चार्ज हो रहा है, चले भाई। और इसके ऊपर गाइस कपड़ा वपड़ा भाई छुटा रखा है, थी उसके ऊपर कुछ क्लॉथ व्लॉथ कपड़ा वपड़ा होता है, जाले वाली होती है वो। खैर गाइस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो भाई अब आते हैं भाई इन पुरानी बैटरी पर। तो भाई साहब इन पुरानी बैटरी के साथ करना का है, करना गाइस कुछ नहीं है। देखो एक बैटरी का इसमें पहचान लूंगा, भाई ये बैटरी बिल्कुल बेकार है, ठीक है। ये ना भाई मैं वापस दे दूंगा, क्योंकि इसमें रख के क्या करूंगा, कुछ मेरा यूज नहीं है फिलहाल। जरूरत होगी तो गाइस मैं भाई से वापस दे दूंगा। इसका हम क्या कर सकते हैं, ये बैटरी गाइस काम की है। देखो भाई साहब ये होता है लोकल में कारनामा, अलग से गाइस एक पैकिंग लगा रखी है। और भाई बता दी 2000 mAh की बैटरी है, इसमें BMS तो जरूर होगा। देखो भाई ये रहा, देखो भाई ये रहा इसका भाई BMS। ये भाई ऐसी है बस, क्या है भाई ये कोई BMS है, कहाँ से BMS हो गया इसमें, ना कोई IC है, बस एक रेजिस्टेंस ही लग रहा है। चूना लगा दिया ओए, मतलब भाई ये BMS है भाई, कर लो क्या करो। मैं गाइस आपको BMS दिखाता हूँ, ठीक है। लिथियम पोलियम बैटरी में आप लगा सकते हो, लिथियम आयन बैटरी में आप लगा सकते हो, लिथियम आयन बैटरी गाइस आप लगा सकते हो। पहले मैं ढूंढ लेता हूँ। हाँ तो गाइस मोए को मिल गया है, मोए मोए करेंगे गाइस, मैं आपको दिखाऊंगा ना पहले। मोदी जी के गाने इतना सुना का इसमें, तो उनका फैन हो गया AI आवाज का। देखो भाई ये है BMS। अब भाई आपको मैं इसमें दिखाता हूँ, मतलब भाई कितनी लूट मजा रखी है। ये वाली आईसी वो गया भाई इसमें से, नहीं भाई किसने निकाली नहीं है गाइस, ये है ही नहीं, थी नहीं इसके अंदर भाई। ये देखो यार सोल्डिंग भी नहीं हुई है, ठीक है। और गाइस सिर्फ एक इसमें रेस्टर लगा रखा बस, ये वाला इसमें भाई कुछ है ही नहीं। तो भाई लूट पहले से ही मजा रखी थी, ऐसी बात नहीं भाई। ये पुरानी बैटरी बहुत, मतलब गाइस आजकल की बैटरी नहीं भाई, मतलब कब की पतली पुरानी बैटरी भाई। तो भाई कौन इनको यूज कर रहा है, मतलब उस टाइम के जमाने में भाई काफी सस्ती है ये सिग्मा टेल। इस बारे बैटरी और भी जल्दी खराब हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर है ही नहीं। क्या नहीं है? BMS बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, ओवरचार्जिंग प्रोटेक्शन, लो प्रोटेक्शन है ना, मतलब कि काफी गाइस ये काम करता है। अब भाई साहब इस बैटरी को खोल के देख लेते हैं गाइस, बिल्कुल मतलब मस्त धातु खराब बैटरी है। तो प्लीज दोस्तों ऐसा घर पे ना करें, खराब बैटरी आप तोड़ सकते हो, तोड़ के करोगे भी क्या। ठीक बैटरी तो बिल्कुल मत तोड़ना, इसमें आग लग जाती है। और भाई इनका जो केमिकल रिएक्शन होता है वो जिंदा रखता है, मार देता है बिल्कुल, ठीक है। वैसे मैं काटने वाला था एंगल ग्राइंडर से, मैं सोचा कि चलो भाई इसी काट देते हैं। देखो ऐसा लोकल बैटरी के अंदर और क्या क्या निकलता है गाइस, आप ये भी देखोगे इस वीडियो में। चलो गुरु हो जाओ शुरू वाले साहब है, ये तो कैंची से भी कट जा रहा है आई थिंक। भाई स्मेल आ रही है, देखो भाई इतनी हल्की बॉडी है इसकी गाइस, आप इसे आराम से कैंची से भी कट कर सकते हो। देखो भाई सब ये बैटरी इसके अंदर बस पैक करके दे रखी है, इतना ही है, यही होता है। और गाइस आई थिंक ये बैटरी ठीक होगी, लेकिन अब डेफिनेटली गाइस ये खराब हो चुकी है। ले जाओ भाई साहब ये रही वो बैटरी, वो ये जैसे गाइस आपको पता भाई आपने काफी वीडियो देखी होगी बैटरी को खोलने की, ठीक है। और गाइस मैंने पूरी अच्छे तरीके से विस्तार से बता रखा है बैटरी के बारे में, गाइस इसके अंदर क्या होता है, कैसी बनाई जाती है। तो बार बार गाइस अगर मैं उस चीज को रिपीट करूंगा तो गाइस वीडियो काफी लंबी जाती है, ठीक है। अरे है क्या स्मेल आ रही है भाई, वाह बहुत खतरनाक स्मेल है भाई, तो बाहर फेंकते हैं। वैसे कहीं हम बाहर भी नहीं फेंकेंगे, बच्चे उठा लेंगे तो कहीं हम कहाँ फेंकेंगे तो यहाँ पर यार। लेकिन पहले पूरा खोल के दिखाया देते हैं, मन में गाइस क्या फायदा किसी के कुछ रहे। और भाई ये हल्की सी हीट हो रही है, क्यों गाइस वैसे भी ये डिस्चार्ज है बिल्कुल, चार्ज नहीं है। चलो भाई साहब यही होता भाई सब कुछ, और क्या होता है, डालो भाई इसके अंदर ही से। काफी गाइस यहाँ पर कबाड़े इकट्ठा हो रहा है, जिस दिन गाइस पैसे खत्म हो जाएंगे उस दिन कबाड़े को बेचकर गाइस मैं अपना खर्चा चलाऊंगा। तो फ्रेंड्स ये व्लॉग आपको अच्छा लगा प्लीज दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और भाई जो बताइए ये व्लॉग आपको कैसा लगा, तो गाइस आपने आज इस व्लॉग में जाना कि गाइस लोकल बैटरी के अंदर कुछ नहीं निकलता, ठीक है। और जो गाइस निकल जाता पर लोकल में कुछ भी नहीं निकलता। थैंक यू सो मच, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।